तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं जो फ्लिपकार्ट अमेजोन एमआई की उस पे सेल निकलती है यहाँ पे कि कोई सी भी सेल हो। मैं पर्टिकुलर एक ब्रांड के ऊपर नहीं कह रहा कि आपकी रेडमी हो गई, रियलमी हो गई और कोई सी भी सेल हो, एप्पल वगैरह की जो सेल वगैरह आ जाती है, कभी बार सैमसंग की भी आ जाती है, कोई भी आपको जो मतलब होती है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल तो वैसे अधिकतर इन्हीं की निकलती है, एमआई की निकलती है और रियलमी की निकलती है। अगर आपको बुक करना है वो भी 100% विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर यार उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में पूरी डिटेल, तो पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये मेरा, पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है शुभम, आप देख सकते हो। नाम ऑर्डर पे आते हैं, मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, आप देख सकते हो रियलमी नारजो, ठीक है। आज भी आते 22 तारीख है, ठीक है। ये फोन बुक किया था मैंने 19 तारीख को, ठीक है, जो सेल आई थी 19 तारीख की। आप सर्च कर लेना कोई सी भी साइट पे, आप अमेजोन पे, एमआई की साइट पे या फिर रियलमी मतलब फ्लिपकार्ट, सब जगह पे ट्रिक काम करेगी। अब कैसे काम करने है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है क्रोम में। एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन होती है जैसे हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ पे देखो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन फ्लिप, ठीक है, फ्लिप शॉप में ई है यहाँ पे, ठीक है, गलती हुई कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है, एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते, देखो मैंने तो ऐड कर रखी, तो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, अब तो मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब क्या करना है आपको, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद पहले इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आप, ठीक है, ये आप देख सकते हो रियलमी नार्जो 10S 32 GB, ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मैं इसे अगर किसी और टैब पे लेके जाऊंगा तो जो ये वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे फ्लिपकार्ट पे ले आता हूँ या कोई सी भी अमेजोन पे या फिर एमआई की साइट पे, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें यहाँ पे सिंपल, मैंने तो खुद मंगाया तो मैं इसलिए पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, क्लिक मैंने करा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया विदाउट पेमेंट का और यूपीआई, ठीक है, हमें विदाउट पेमेंट पे चेक करना, विदाउट पे यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, हो सकता है अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जैसे अभी विदाउट, उसके बाद ये रिलोडिंग लेगा, ठीक है, विदाउट पेमेंट पर, ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा उस पर क्लिक करा तो ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक होगा वैसे ही आपका, ठीक है, आपको फ्लैश सेल पे क्लिक करना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सी सेल यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इन्हें सब बता दिया, जैसे अब मुझे पता है भाई कल की पता नहीं कौन सी, देख लेते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं हम फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं, आपको कौन सा चाहिए फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे हम देख लेते हैं रियलमी का, देख लेते हैं कोई सा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे रियलमी नार्जो, हाँ रियलमी नार्जो ये, ठीक है, हम व्हाइट कलर कर देते हैं, कोई सा भी हमें जो बुक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस पर, मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझे सीधा रीडायरेक्ट कर देगा पेज, ठीक है, अब ये कोई बात नहीं, थोड़ी सी लोडिंग लेना, ये यहाँ पे मुझे लिया है, ठीक है, लाने के बाद देखो रियलमी के नार्जो 10A पे लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट सेल ट्यूजडे 23 जून यानी कि कल के 12 दोपहर के 12 बजे। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, जब भी सेल आएगी, सेल आने से 1 घंटा पहले से चालू कर देना, चालू करने के बाद 1 घंटा, जब चालू रहेगा 1 घंटा चालू करना पड़ेगा, 1 घंटा चालू करने के बाद उसमें क्या होगा फिर भाई, ये जैसे जब उससे 3-4 मिनट पहले होगा, जिस मानो 12 बज के, मानो 11:56 पे आ जाएंगे, 11:56 पे क्या होगा, ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट मतलब रिफ्रेश करने लगेगा, 50 क्लिक करेगा और रिफ्रेश करने लगेगा। आपको एड्रेस, फोन नंबर, जितनी डिटेल है सारे पहले से अपने फ्लिपकार्ट की आईडी में सेव रखनी है, उससे क्या करेगा सीधा ही आपको ये कैसे फोन करेगा, देखो इसने यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, वहां पे करने के बाद देख सकते हैं सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सीधे ये रिडायरेक्ट करके बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे भी यही क्लिक कर देगा, सब जगह यही क्लिक कर देगा, बस आपको जो चौथा जो फाइनल स्टेप होता है क्या, मतलब क्या पे ऑन डिलीवरी होगा, ठीक है, पे ऑन डिलीवरी होगा, बस एक फाइनल ऑप्शन आता है कैप्चा का, ठीक है, जो 3 अक्षर होगा कोई भी कैप्चा होता है वो आपको डालना है, उसमें थोड़ा सा आपको फुर्तीला बनना पड़ेगा, वो डाल के सीधा सबमिट कर दो, बाकी सारे एड्रेस भी बुक भी सब कुछ यही कर देगा, तो मतलब ऐसा करके आप बुक कर सकते हो। मैंने तो खुद आजमाया हुआ है, मैंने आपको अपना ऑर्डर दिखाया, तो आप इससे कोई भी फोन बिल्कुल मतलब एकदम जिसे कहते हैं काफी, अगर आप इसके रिव्यू भी देखोगे काफी ज्यादा बढ़िया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।